वो किट्टे आया था ना, मलोअस्त्री पापविट किट्टे कृपणे त्वविधेयवत, मलम के लिए। तो कल का अंतिम रूप था मलम, उसमें किट्टे, किट्टे कर क्या है तो श्राव बहता है ना, चोट लगने से खून वाला जो बहता है उसको किट्टा बोलते हैं, और कीट को भी उसके कारण से होने जो कीटाणु है उसको भी जो है सड़ने गलने से जो कीट हो जाता है उसको भी किट्टा कहते हैं। और विष्टार्थ तो लिया ही विट करके, विट करके ले लिया, किट्टा का भी अर्थ विट होता है। और गाद को भी कहते हैं गाद, जो मुवाद होता है, मुवाद पीला पीला होकर के दुर्गंध भी आता है, जो सड़ते हैं अंदर में मुवाद बनता है, दबा के निकालते ही नहीं, सफ़ेद सफ़ेद के पीला पीला भी निकलता है, उसको गाद कहते हैं, पास पास, उसको हिंदी में मुवाद भी कहते हैं, हिंदी में गाद भी कहते हैं, उसको भी किट्टा सबसे संस्कृत में कहते हैं। कितने अर्थ है किट्टा का, छुपे रच्चो पधाया हा, छुपे रच्चो पधाया हा, छुपे पंचम के एक वचन, अत प्रथमा का एक वचन, च अव्य उपधाया हा षष्ठी का एक वचन। चुप धातु आपका है मंदायंग गतौ, चुप चुप के चल रहा होता है, धीरे धीरे चल रहा है मंद गति, उस धातु से आपने करना है प्रत्यय कला प्रत्यय, कला का अला वाला अला बच गया, कला का अला बच जाता है, चुप और अला, चुप और अला, चुप अला बनना चाहिए। तो सूत्रकार ने कह दिया उपधाया अच्छ, उपधाया के चू को ऊ को क्या करना, ओ आदेश कर दो रस्वकार, चप हो गया, अलम मिला देंगे, चपलम, चपलता जानते ही सब, चपलता क्या होती है, जैसे कोश सब नीचे आएगा, शकी सम्योर नित, शकी सम्योर नित, शकी सम्यो पंचम अर्थ षष्ठी के वचन, नित प्रतिमा के एक वचन, शक और सम धातु से भी कला प्रत्यय होता है, और कल प्रत्यय को नित कर दिया जाएगा, आदि उदात, आदि उदात करने के लिए नित कर दिया जाता है, शकलम शमलम, शकल्टी शक्तो शम उपशम, इन दोनों धातुओं से कल प्रत्यय हुआ और नित हो गया, स्वरार्थ किया गया विशेष नित, छो गुग रस्वश्च, छो गुग रस्वश्च, चह पंचमी के एक वचन, गुक प्रतिमा के एक वचन, रसवा प्रतिमा के एक वचन, चे जो है चार पद है, छो छेदने धातु है इसे कल प्रत्यय होगा, और गुग आगम हो गया धातु को, इसे छो का हो गया, छो धातु था ना आधे चुपदे से अशीति, छो को छा हो जाएगा धातु, छा को गुग आगम हो गया, छाग बन गया, इधर कल प्रत्यय का अला है, और प्रकृति को इसलिए कह दिया रसवश्च से छाग तो छ हो गया, तो छग और अला मिला देंगे, छगला छगला हा, छागल रूप कैसे बनेगा, इन्होंने कहा प्रज्ञादित्वात छागला बना देंगे, यमंता डह, यमंता पंचम के एक वचन, डह प्रथमा के एक वचन, पूरे अष्टाध्याय में यम प्रत्याहार प्रयोग में नहीं आता कहीं भी, यमगणानम को यहाँ से लेकर के माँ को प्रत्याहार जो है अष्टाध्याय में कहीं प्रयोग में नहीं है, इंदुगुणादि में यम प्रत्याहार, यमंत धातुओं से यांत यांत मांत अंगांत अणांत और नांत धातुओं से ड प्रत्यय होता है, यमंतात पंचमी वचन ड प्रथमा के एक वचन, लेकिन इसको भी सुधार देंगे क्योंकि अप्रसिद्ध प्रत्याहार को हम क्यों माने, भले शाकटायन महर्षि के दृष्टिकोण में है इन हमारे दृष्टिकोण में है नहीं, पाणिन के दृष्टिकोण में, इसलिए कहेंगे नहीं कांत नांत मांत तीनों को ही करना हम, ये यम से कब छूट रहा है ना, कांत करना इष्ट भी है, ऐसे टीका में वर्णन करेंगे। यथावती के दृष्टान दे रहे दंडा 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 और टाप होकर के दंडा, अरे ड प्रत्येक छुट्टू से संज्ञा क्यों नहीं हुआ, छुट्टू लगना चाहिए, ड कैसे रह गया, जैसे आपने पहले खड़ू बनाए थे ना खड्डू खड़ू, वैसे ही आप भी समझ रहे थे ड की संज्ञा
नहीं होती है। नहीं तो डिट समय अवश्य अभी टेर लोप हो जाएगा, खटेर डुडवा, इसे दो डा बोलना पड़ा, आज डा किस संज्ञा कर लोप नहीं होगा, अंत वाला डा किस संज्ञा उसे टी लोप हो जाएगा। अरे ये किया है द बोल दिया है आदि वाला, इसकी संज्ञा कर लोप नहीं होगा, ड श्रवण होगा। बाउल का डस इतना समझना चाहिए। रंडा केवल रंडा नहीं बनेगा, रंडा ये किस धातु से बना है, रमु क्रीडायाम धातु से, रमु क्रीडायाम धातु से बनता है। और दंड किसे बना, दमु उपशमने, दमु उपशमने धातु से उपशमे, चड्डा प्रत्यय हुआ ड के कारण से अनुस्वार प्रसवण होकर के दंडा बना, सुप्रसिद्ध दंड शब्द का अर्थ। और अंडा शब्द का अर्थ भी सुप्रसिद्ध है, रंडा विधवा को कहते प्रसिद्धि तो यही है, और मूषक पर्णी औषधि को भी रंडा कहते हैं, मूषक पर्णी खंडा टुकड़ा गुड़ को भी कहते हैं, खंडन खंड का आद्य, खंड बोलते ना खांड, हिंदी में खांड बोल देते हैं उसको, जो गुड़ का चूरा होता है ना पीला पीला, उसको खांड कहते हैं, खंडा संस्कृत उसको खंड कहते हैं। और टुकड़े अवयव प्रथम खंड द्वितीय खंड बोलते ना, सिद्धांत कौमुदी चौथा खंड चल रहा है, खंड विभाग को भी कहा। मंडा खंड बना था खनो अवधारण धातु से, और मंडा मन ज्ञान धातु से, मंड का अर्थ कई बार पहले भी जा चुका है, मंडा मस्तुनी शाख भेदे, शाख भेद को भी कहते हैं, पंचांगुली वस्तुओं को भी मंडक कहते हैं, और नपुंसकलिंग में मस्तु को भी कहते हैं माड़ को। वंडा वंडा बना है वन संभक्तो धातु से, वंडा अर्थ स्वयं लिख दिए छिन्न हस्ता, इसका हाथ कट गया है उसको वंडा कहते हैं। अंडा अम गत्यादि अर्थ का धातु है, उससे अंडा मकार अनुस्वार प्रसरण होकर के अंडा, अंडा मन अंडज, अंडा होता है वो भी है, अवय हम लोग पुरुषों में अंडकोश होता है अंडा, अवय वर्त में हो गया, यहाँ भी अनेक अर्थ है अंडा का, ब्रह्मांड में भी अंडा कहते हैं उसको। बाउल का सप्ताभाव आगे के लिए बात लिख दी गई है, शो अंतकर्मणी है ना, क्षणु दाने, क्षणु दाने धातु ले रहे हैं, और से भी अनुस्वार प्रसन्न कर जरूरत नहीं ना, पहले से ही है षंडा बन गया, इतना ही प्राप्त था सत्व को, प्राप्त सत्व को निषेध कर दिया बाउल का। षंडा मैंने संघात भी होता है, नपुंसक भी होता है, इत्यादि अनेक अर्थ है। ताल व्याधि रीति अपरे, कुछ ताल व्याधि कह दिया षंडा करके, और गमरी गो धातु से गंडा, गंडा का कपोल भी होता है ना, कपोल गंड, चंड चण दाने से चंड, या तो चढ़ी कोपे से भी चंड, ताकि चंडी भी होने ना फिर कोपर्त वाला भी आ जाएगा चंडी। पंडा क्लीबा नपुंसक को कहते हैं, पड़ा व्यवहार सुतौच सुत धातु से ड प्रत्यय पंडा बन गया, और पंडा कहते बुद्धि को, व्यवहार सुतौच स्तुत्य बुद्धि को भी, व्यवहार में कुशल बुद्धि को भी पंडा कह देते हैं। इसी प्रकार से फंड भी बना रहे, फण गतो से फंडा, संघात आदि अर्थ में मार्ग अर्थ में भी है फंडा, फांडम उदरम प्रज्ञात स्वार्थिकरण करके फांडम उदरम भी बनता है। क्वादिभ्यकित क्वादिभ्य पंचबोचन कित प्रतिमा के एक वचन, कु मैंने का गंगा पांच है, वह है आदि में जिसका कवर्ग है, कवर्गीय वर्ण आदि में जिसका ऐसे धातुओं से ड प्रत्यय होगा, और ड को कित कर देना है। कवर्ग आदि भी और ड कित सियाद, कवर्ग आदि आदि धातुओं से ड प्रत्यय हो और वह कित हो गए, तगुणाधिकारी नहीं होगा। कुंडम कुंडम कुड़ी दह धातु या कुण शब्दोपकरण यो, कुण शब्दोपकरण से करेंगे तो कुंड सीधे बनेगा, नहीं तो कुड़ी से कर क्या होगा, कुंड रहे ड प्रत्यय आ गया बीच का टकार लोप कर दो, कौन सूत्र है झरो झरी सवर्ण है, डकार लोप हो तभी कुंड बचेगा। कुंडम कांडम, ये जो है कांडम किसे बना, कमुकांतों से कांडम बना दिया, अनुस्वार प्रसन्न कर देंगे तब भी हो जाएगा।
कण अवयव भी एक धातु है शायद, है ना, कणाशा हम लोग प्रयोग करते ना, कणाशा कण बनता है, उससे भी बना सकते हैं कांडम। अवयवादी अनेक अर्थ होते हैं कांडम। संज्ञा पूर्व विधेय अनित्यत्वात्, यहाँ तो उसे आने का उसे दीर्घ कर दे रहे हैं, जो कम कांत होगा तो भी दीर्घ करना ही पड़ेगा, या कण रहेगा धातु तो भी करना ही पड़ेगा, लेकिन अनित्य मान लिया ना, इसलिए उसमें नहीं किया और इसमें कर रहे हैं, एक में कर रहे हैं एक में नहीं कर रहे। अनित्यत्वात्, अनित्यत्वाश्रण तो लक्ष्यानुरोधात्, भरण वगैरह कह भी रहे इसीलिए, अनित्व का आश्रम जो करें लक्ष्य के अनुरोध से। गुंग गतौ, गुंग अव्यक्ति शब्द भी है, उसे क्या हो गया, गुड़ा बनता है, गुड़ा गुड़ा गुड़ अर्थ में ही है प्रसिद्ध। गुण भ्रमणे, गुण भ्रमणे, इस धातु से करेंगे आप गुंडो भ्रमर, क्या प्रत्यय हुआ, गुण भ्रमणे में गुंडो भ्रमर इत्यर्थ। स्था चति मृजेर आलज वाल आलिय, स्था चति मृजेरालज वाल आलिय, कथाशक मेरे समाराम लगाना है। स्था चति मृजय है पंचमी के एक वचन, आलच वालन वालई और आलियच, ये होगा तीन प्रत्यय है, तीन धातु है, यथासंग लगा देंगे। स्वयं लिख रहे आगे, इसलिए दो पद हो गए ना, पंचमी का एक वचन और प्रथमा का बहुवचन, पंचमी का एक वचन प्रथमा का बहुवचन। तिष्ठते आलच, स्था धातु से आलच प्रत्यय हुआ, रूप बनेगा स्थाणम, स्थाली भी बनेगा गौराधिगण में लेकर के। चतिर वालई, इत से वृद्धि हो जाएगी है, चतरा वालई बचा, चात वालई वाला वाला बच जाएगा उसका, चातवाल। मृजेर आलियच, मार्जालीय हो, मार्जालीय मृज को वृद्धि, मृजर वृद्धि सूत्र से ही, क्या अर्थ उसका, बिड़ाल बिलाओ। पति चंडीभ्याम मालई, पति चंडीभ्याम मालई, पति चंडीभ्याम पंचक द्विवचन आलई प्रथमा के एक वचन। पतलरी गतौ और चढ़ी कोपे, इन दो धातुओं से आलई प्रत्यय हो जाएगा, आलय की जो है उपधा वृद्धि करने के लिए, इसलिए पत और आलई का आला बचा, वृद्धि हुई तो पात धन आला मिला देंगे, पात आलम। चढ़ी कोपे से नुम हो गया, चंड धातु बच गया, चंड धातु से आलय कर दिया, चंड और आला चंडाला बना, और प्रज्ञायित्वात पुनान करने से चांडालोपी त्येके, ये भी एक एक कह रहे अरुचि है। पांचवें अध्याय के वार्तिक से संपन्न हो सकता है, वार्तिककार भाष्यकार सबने कहा है यह प्रज्ञायित्व दंड करना उचित नहीं है उस गण को, यदि भी आकृतिगण है ऐसे व्यक्ति जो अन्य से सिद्ध है उस आकृतिगण में क्यों ले जाए, ये कहेंगे। याद है कि टीका देखिए, चुप रच्छो पदाया चुपन मंदायंग गतौ अस्मात् धातु कल प्रत्यय उपधाय उकारस्य अकारे चपलैति रूपाम। शकि संयोर्णित शकलरि शक्तौ समुपशमे आभ्याम कल प्रत्यय निच्च भवति, इन दो से कल प्रत्यय निच्च होवेगा, शकलम शमलम इति रूपाम। छो गु ग्रस्वश्च छो छेदने धातु अस्मात् कल प्रत्यय गुगागमः प्रकृतेर अवयवस्य आकारस्य ह्रस्वश्च भवति, प्रकृति गुगामी गुकागम भी होगा और प्रत्येक अवयभूता जो आकार है उसका रस भी हो जाएगा, तो छगला बन गया। इसीलिए कदम छागल थी अनिल रस्व से दुर्निवार, इस रस्व का साक्षात विधि है, वैकल्पिक नहीं है, इतता प्रज्ञायित्वा प्रज्ञादिभ्यश्चित अणि छागल भवती इत्यर्थ। स्वार्थिक अयम तजित प्रत्यय, और तजित प्रत्यय वैसे भी स्वार्थिक ही छगल है, वह छागल अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यमंताड यम प्रत्यार यमंता धातुर ड प्रत्यय सैत दंड दमु उपशमे अस्मा ड प्रत्यय नेड वशीकृति निषेधा इडागमो न बहुलका चुटु संज्ञा भी न, देखो संज्ञा भी नहीं होगा। दंडोस्त्री लघुड़े भी सियादितमर, दंड शब्द अस्त्रीलिंग में होगा और पुलिंग नपुंसक दो में होता है, और लघुड़ अर्थ भी प्रयोग सुप्रसिद्ध दंड तो ही है, लघुड़ में भी होगा
लंगूट किसको कहते हैं? छड़ी को या लाठी को और सोठा को, मुदगर को। चार ऋतु प्रयोग होता है, छड़ी, लाठी, बुढ़ोंगा, मास्त्रों के पीटने का जो छड़ी, बुढ़ों के लिए जो लाठी या सोठा भी होता है उसको सोठा ही बोलते हैं, अलग ढंग से बनता है वो, और मुदगर जो कौन करता है वो घुमाते हैं ना मल लोग ताकतवर हाथ बनाने के लिए, यूँ वह लकड़ी का बनता है यूँ करके हैंडल से होता पकड़ के यूँ कर छुप चलाते आगे पीछे दोनों हाथों से एक हाथ से सब, उसका नाम मुदगर। तो मोह मुदगर हा शंकराचार्य ने लिखा है। नहीं नहीं, गदा अलग चीज़ है, मुदगर अलग चीज़ है। गदा तो नीचे गोल होता है ना, जैसे हनुमान जी के हाथ में होता है, भगवान विष्णु के हाथ में सब है, इसे गोल नहीं होता है। इसका सीधा डंडा यूँ यूँ नीचे हल्का से गोलाई कर देते हैं और इधर बंद करके इधर एक डंडा हाथ पकड़ने का होता है। कुश्ती खेलने वाले मल्ल लोग ये सब गेहूँ के पास जो है जो अखाड़ा बोलते ना जहाँ पर सीखते हैं वहाँ होता है, लकड़ी का होता है मुदगर। हा लघुडे पिस्याद इत्यमरहा रंडेति रमु क्रीडयाम इत्यस्माद् ड प्रत्यय रंडा मूषक पर्ण्या च विधवायांच योषिति इति मेदिनी। रंडा जो है मूषक पर्णी रूपी औषधि विशेष में और विधवा अर्थ में होगा तो नित्य स्त्रीलिंग रहेगा, दोनों ही अर्थ में नित्य स्त्रीलिंग है। खंडेति खनु अवधारणे खंड वस्त्री शकले चेक्षु विकार मणिभेदयो। खंड शब्द अस्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक दोनों में होगा, खंडम भी होगा टुकड़ा अर्थ में, इक्षु विकार गुण अर्थ में और मणि विशेष में भी होता है। मंडयति मनज्ञाने इत्यस्माड् प्रत्यय मंड पंचांगुले शाक भेदे क्लीबंतु मस्तुनी। पुल्लिंग होगा तो पंचांगुल कोई जो है प्रयोग विशेष के साधन विशेष के लिए प्रयोग होता है, जैसे उसमें होता है ना जो धान जो फसल काट देते हैं खलियान फैला देते हैं और गौ को बैल को उसको खूब घुमा देते हैं तो क्या हो जाता है धान अलग हो जाता है, धान नीचे बैठ गया अपवाल को जो खींचते ना उसके लिए होता है, पांच उंगली वाला होता है उसको भी कहते हैं मंडा। पंचांगुल और शाख भेद सब्जी भेद को भी कहते हैं मंडा। एवं प्रसिद्ध जो मस्तु है उसे प्रयोग होते मस्तुनी होगा तो नपुंसकलिंग होगा क्लीबंत मस्तुनी मंडम। मंडा धात्री समाख्याता मंडम पक्वौदनौदकम ये भी प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग में जो मंडा है धात्री अर्थ में होता है। मंडा धात्री समाख्याता मंडम पक्वौदनौदकम, पक्व ओदन का जो ऊपर का जो है जल है उसको कहते मंडा, ऐसे भी कोशांतर में लिखा है। वंड इति वन संभक्ता इत्यस्माद् ड प्रत्यय वंड। अंड इति अम गत्यादिषु षंड इति षणु दाने इत्यस्माद् ड प्रत्यय धात्वशति सप्तम असंख्या बौल का न। गंड इति गमृगतौ से छंड इति चण दाने से, चण दाने से बनता है, चढ़ी कोपे से बन जाएगा चंड। बस एक अधिक सूत्र लगेगा जोर जोर से वर्ण है। पंडयति पण व्यवहार स्तौच एवं फांड इत्यादि रूह्यः और भी अधिक ग्रहण किया जा सकता है। यमंतों के जितने धातु सब ले सकते हैं ना, फणा जैसे ले रहे और भी है यमंत। वाजवेके कुकवर्ग तदादिभ्यो धातुभ्यः जायमानो ड प्रत्यय कित स्यात् उससे होने वाले जो ड प्रत्यय कित हो जाएंगे। कुंडमिति गुण शब्दोपकरण ड प्रत्यय से कित्वात् न गुण अनुनासिकस्य क्वी जलह किंगिति दीर्घस्तु न भवति उसे दीर्घ भी नहीं होगा। क्यों? संज्ञापक विधेयर नित्यत्वात् इति भाव। कांडमिति कमुकांत इत्यस्माद् ड प्रत्यय अनुनासिकस्य क्वी इति दीर्घ अनित्यत्वाश्रयणं तो लक्षणरोध इति भाव। या दीर्घ कैसे कर दिया आपने कि अनित्य लक्षणरोध है ना, अनित्यत्व को आश्रय किया जाता है। कांडोस्त्री दंड बाणार्व वर्गावसरवारिशो इत्यमरहा। कांड जो है पुल्लिंग नपुंसकलिंग दो में होता है, दंड अर्थ भी होता है कांड, बाण अर्थ में होता है, अर्व घोड़ा अर्थ में होता है, अवसर अर्थ में भी होता है। बड़ा कांड हो गया भाई,
बड़ा ऐसा अवसर था कि ये घटना घट गई, सो कांड कहते हैं। और वारी जल को भी कहते कांड। इत्यमरा गुंग धातु और ड प्रत्यय गुणैति रूपम, गुंग अव्यक्त शब्द धातु से ड प्रत्यय गुणैति रूपम, गुड़ो गोलेक्षुपाक इत्यमरा, गोल को भी कहते गुड़ा और इक्षुपाक को भी कहते गुड़ा। घुंडा कितना गुणा बाबा, अर्थमूल में बोल चुके भ्रमरा, भ्रमर को घुंडा कहते। यहाँ तक तत्वपद देख लो, छुपा मंदेंगे तो चपला पारदे मीने चोर के प्रस्तरांतरे, चपला कमला विद्युत पुंश्चली पिपली सुच, नपुंसके तो शीघ्र सियाद वाच्यवत तरले चले इति मेदिनी। क्या गई अर्थ गिना दिया देखे, चपल पारद को भी कहते चपला, पारद टिकता नहीं ना कहीं, वो पारा भाग जाता है, इसलिए पारद को चपल कहते हैं। मछली भी चपल है, चोर के चोर जैसा चोर चलने वाला सदृश अर्थ में, ये अर्थ में लेना है चोर का, चोर नहीं है, चोर जैसे चलता फिरता है बिल्कुल चुप चाप धीमे धीमे से। प्रस्तरांतरे, प्रस्तर भेद में भी होता है चपला, ये तो सुप्रसिद्ध है, चंचला चपला माया, अमरकोश का अन्यत्र भी बोलते चंचला चपला माया, चपला कमला, कमला माने लक्ष्मी, वो भी चंचला है चपला है, विद्युत भी चपला है, पुंश चली जो स्त्री अपने पति को छोड़ यानी पुरुषों से संबंध रखने के लिए चारों तरफ जो घूमती फिरती है पुंश चली स्त्री, वो भी चपला कहा जाता है। पिपली शुच, और पिपली को भी कहते चपला। और नपुंसक लिंग में प्रयोग हो तो पुल्लिंग बता दिए, स्त्रीलिंग बता दिए, और नपुंसक में प्रयोग होगा तो चपलम तो होगा तो शीघ्रम अर्थ में होगा, शीघ्रम स्यात वाच्यव तरले चले, तरल चलायमान पदार्थों को भी चपल प्रयोग हो सकता है, लेकिन वहाँ वाच्यव तो त्रिलिंग होगा, तीनों लिंग में चलेगा। इति मेदिनी शकिशम्य शकल शक्तो समुपशमे शकलं खंडे रोहितादीनाम त्वचि च, शकल शब्द खंड के लिए भी होता है टुकड़े के लिए, और रोहित आदि नाम रोहितादि अर्थ होगा, एवं त्वचि च त्वचि में भी त्वचा में भी अर्थ होता है शकल। तद योगा शकली मत्स्य, उसके योग से मछली को भी कह देते हैं शकल, शकली स्त्रीलिंग में। मत्स्यान शकलान नित्य भाष्य प्रयोग किया, मत्स्यान शकलान ऐसे व्याख्या करते भाष्यकार ने प्रयोग किया। शकलन त्वचि खंडे सियाद भाग वस्तुनि वल्कले इति मेदि, शकल जो है त्वचा में खंड में, और भाग वस्तुनि किसी वस्तु के भाग विशेष के लिए, और वल्कल के लिए भी प्रयोग होता है, उसको भी कहते हैं शोगुक, पेड़ का छाल छो छेदने छगलम नील वस्त्रेना छागे स्त्री वृद्ध दारके इति मेदिनी। छगल नपुंसकलिंग में होगा तो नील वस्त्र में, पुल्लिंग में होगा तो छाग अर्थ में, और स्त्रीलिंग में होगा तो बूढ़ी पत्नी अर्थ में होगा वृद्ध दारक है। यमंता डहा यमित प्रत्यार दम उपशमने उपशमे रमु क्रीडायाम खनु अवधारणे मन ज्ञाने वन संभक्तौ अमगत्यादिषु क्षणोदाने गमृगतौ क्षणदाने पणव्यवहारसुतौ च। काश के हैं तो इन काशार कहते हैं यम प्रत्यार कहाँ से ले आए आप, दुनिया में ही नहीं जबरदस्ती घुसा रहे हो, ये ठीक नहीं। उनका कहना इसलिए वो लिखते हैं कणम आह स्युरुक्ता कांत डांत मांत अस्तिनी कणमाह स्युक्त यम प्रत्यार सु न स्वीकृत, यम प्रत्यार को स्वीकार ही नहीं करते, क्यों अष्टाध्याय तस्य विषय अभावात, कि अष्टाध्याय में इसका कोई विषय ना होने के कारण से अप्रामाणिक माना जाएगा। दंडे जी बावड़कात चुटु इति नैत संज्ञा दंडो स्त्री लगड़ोपि स्यात् इति अमरा रंडामश प्रण्यांच विधवायांच योषिति योषिति खंडो स्त्री शकले नेक्ष विकार मणि भेदयो। स्त्रीलिंग में खंड शब्द शकल अर्थ होता है, और पुल्लिंग में होगा तो इक्ष विकार मणि भेद में होता है। मंडप पंचांगुले शाक भेदे क्लीबम तुमस्तुनी इस वर्त पर समानी है चंडा तो। हाँ ये देखो पांच सुलायाम स्त्री
त्रिशु हस्तादिवर्जिते। चंडा जो है वह प्रयोग किस में होता है, पांसुलायाम, पांसुल में होता है, धूल के कण में, जब स्त्रीलिंग में होगा तो। और तीनों लिंगों में हस्तादिवर्जित अवयव कटावा को कहेंगे। अमंति अनेन इति अंडा प्राण्यवयव अंडकोश षंडा पद्मादि संघाते वर्तते न स्त्री स्याद गोपतोपमान। षंडा पद्मादि संघात में होता है, जंगल में वर्तते न स्त्री, स्त्री में नहीं होगा, कुंभ और नपुंसक में, गोपतोपमान सांड में पुलिंग में ही होगा। षड़ी रुजायाम धातु से अस्माद घई षंड शब्द ताल व्याधिरपी संघाते वर्त संघात रुद्धिमाने इति आशेन मतांतरम महा ताल व्याधृत्य परे इति। गंड स्याद पुंसी खड़गिनी छिन्न वीर कपालेशु हय भूषण बुद्भुदे। गंड शब्द पुलिंग में प्रयोग होगा तो खड़गिनी में, खड़गिनी किसको कहते हैं, खड़ग मृग, एक पशु विशेष होता है खड़ग मृग, जिसके नाक के ऊपर ही खड़ग जैसा रहता है, मारने का साधन खड़ग मृग, आया था ना आपको तत् न्यायबोधिनी में। उपमा का तीन प्रकार उपमा नहीं बताया, ऊंट के लिए भी उष्ट्र और खड़ग मृग तो लिया वहाँ पर दृष्टांत, गेंडा गेंडा विष। और कहते हैं छिन्न अर्थ में भी होगा, वीर अर्थ में होगा, कपाल अर्थ में भी होगा, हय मने घोड़ा भूषण बुद्बुद अर्थ में भी होगा, इन अर्थों में गंड प्रयोग होता है। और कपोल अर्थ में सुप्रसिद्ध है, व्याधि विशेष अर्थ में भी प्रयोग होता है, गंड गंड रोग बोलते हैं, गंड रोग। और नक्षत्र है तो गंडमूल नक्षत्र है, मैंने खतरनाक नक्षत्र है, रोग है, भयंकर खतरा, कुल को नाश करने वाला ऐसा मानते हैं गंडमूल नक्षत्र। चंडोन्नाद तिंतिनी वृक्षे यम किंकर दैत्ययो चंडी कात्यायिनी देव्याम हिंसरा कोपन योषितो हो। चंड पुलिंग में होगा तो तिंतिनी वृक्ष, तिंतिनी वृक्ष किसको कहते हैं, इमली, इमली का जो पेड़ होता है उसे संस्कृत में तिंतिनी वृक्ष कहा जाता है। और यमराज जी के सेवक किंकर उनको भी कहेंगे चंडा, और दैत्य हमेशा क्रोधावेश आविष्ट रहते हैं, इसीलिए उनको भी चंडा कहा जाता है। और चंडी शब्द अच्छा है, कात्यायनी देवी के लिए प्रयोग होता है, कात्यायनी देव्याम। और हिंसरा कोपन योषितो हो, क्रोधयुक्त हिंस्र जात जो जीव जंतु और क्रोधयुक्त जो स्त्री है हिंसा करने वाली उसको भी चंडी कह देते हैं। पंड षंडे धी स्त्री स्यात इति मेदिनी। पंडा शब्द षंड अर्थ के पर्यायवाची में प्रयोग होता है, और धी धी का यंग होकर के धी सप्तमी का एक वचन। फंड इति फणग अतौ फंड पंथा इत्यर्थ प्रज्ञान फांडम उदरम, अंग्रेजी में इसीलिए फंड धन का संग्रह करके उसका नाम फंड बोल दिया अंग्रेजी में, यहाँ भी संघात अर्थ में लिया ना, संघात अर्थ होता है। क्वादिपेक्के कुण शब्दोपकरण कुंडमिति, ये कुंडमिति प्रायण अनुस्वारम एव लिखन्ति तत् प्रमादकृता, कुछ अनुस्वार लिख देते कुंडम में, ड प्रसवण नहीं करते हैं वो, ऐसा करना ठीक नहीं, अनुस्वार प्रसवण कर देना चाहिए। पदांत में होती विकल्प है ना, वा पदांतस्य, ये पद पदपद्य है, क्या विकल्प से आप जो है अनुस्वार नहीं रख सकते, प्रसवण करना ही पड़ा, अनुस्वार से ही प्रसवण नित्य। एवं अन्यत्र भी होती, इसी पर अन्यत्र भी बीच में कोई अनुस्वार लिख देता है वो प्रामाणिक समझनी चाहिए, तब विषय में आप अनुस्वार लिख सकते हो जब पर में यही ना मिले, अनुस्वार से यही यही ना हो तो अनुस्वार लिख सकते हैं, ये शान सी लिखते हैं ना, अनुस्वार लिखना पड़ेगा, किस्सा आगे पर में ये शान सी स है यही में नहीं आता तो आपको अनुस्वार लिखना ही पड़ेगा, मैंने अनुस्वार होता ही नहीं बीच में ऐसा नहीं सोचना, इसे मैंने बता दिया यही होगा तो अनुस्वार करना ही पड़ेगा, यही नहीं होगा आगे पीछे कोई वर्ण आ जाए तो वह अनुस्वार हो सकता है बीच में। डस्य कित्वात् न गुणा, डकार के संग गुण नहीं हुआ, अनुनासिक विचलो इति दीर्घस्थ न भवति, कि वो बाहुकात कहो या संज्ञा वर्विदेर अनित्यत्वात् कहो वा इत्याहो। कुंडम अग्नियालये मान भेदे
देव जलाशये कुंडी कमंडलौ जारात पतिवत्नीयु सुते पुमान पीठ पिटरे तु न ना इति मेदिनी। कुंडम नपुसल में प्रयोग होता है जब अग्निकुंड हवन कुंड बोलते हैं ना हम लोग अग्नि के आलय में, मान का भेद में भी कुंड कहते हैं। कुंड जो है नाप भेद है, मान मैंने नाप, नाप भेद को कुंड कहा जाता है। और देव जलाशय देवता का जो जलाशय बद्रीनाथ के कुंड बोलते नहीं, कुंड में स्नान करके आओ, तीर्थ है ये, तीर्थ स्थल का जो जलाशय होता है उसको भी कुंड कहा जाता है। कुंडी शिवलिंग में तब होता है जब कमंडलों कमंडलों के लिए कुंडी भी कह देते हैं। और पुलिंग में कुंडा प्रयोग होता है जारात पतिवत्नी सुते, पति का रहते हुए जो जार स्त्री है वह दूसरे किसी आदमी से बच्चा पैदा कर दे, अपने पति से बच्चा ना पैदा करके दूसरे से पैदा करे, उस बच्चे को कुंड जाति कहा जाता है। वर्णशंकर हो गया विचित्र, उसको कुंड कहा जाता है। और पिठरे तु, पिठर मने बर्तन विशेष अर्थ में कुंड होता है, वह न ना पुलिंग मने योगा स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में योगा इति मेदिनी। अमृते जार्जक कुंडो मृते भर्तृकोल कह, देखो मरा नहीं है पति, ऐसा जो जार्ज बच्चा है जार स्त्री के बच्चा है उसको कुंड कहा जाता है। और मरने के बाद भर्तरी मृत्ये पति मरने के बाद किसी अन्य पर संबंध करके बच्चा पैदा करती है उस बच्चे को गोलक जाति कहा जाता है। गोलका कांडमिधि कमुकांत अन्नाशी दीर्घ कांडवस्त्री दंड बाणार्व वर्ग वर्गावसर वारिषु इतमरह, वैसा वर दे दिया। अरवा मैंने कुत्सित, कुत्सित घोड़े को अरवा कहेंगे यहाँ पर। अतएव कांडम स्तंभे तरुस्कंदे बाणे अवसर नी रयो हो कुत्सिते वृक्ष भिन्न नाड़ी वृंदे रहसी नस्त्रियामिति मेदिनी। इसे मेदिनी कोशकार ने कहा कांडम स्तंभ अर्थ में भी होता है, तरु के स्कंद अर्थ में होता है, बाण में होता है, अवसर अर्थ में होता है, नीर मने जल वारी अर्थ में भी होता है, कुत्सित वृक्ष भिद कुत्सित जो है वृक्ष भेद में भी होता है और नाड़ी वृंद में होता है। रहसी नस्त्रियाम इन रहस्य अर्थ में जो हो मैंने एकाग्र या एकांत स्थान आदि अर्थ में होगा स्त्री में प्रयोग नहीं था, पुम न पुम में प्रयोग होगा, ऐसे मेदिनीकार ने कहा है। गुंगा व्यक्ति शब्द गुड़ी गोले छुपा कयो हो इतमरा गुड़ा, तो गुड़ा भी बन जाता है। सुनही तत्त केशा यश स गुड़ा केश शिव जटाधारित्वा गुड़ा कहते सुनही, सुनही को और स्पष्ट करते तत्त्वत केशा यस्य उसके समाने केश जिसका, सुनही के समाने केश जिसका। सुनही किसको कहते हैं, पीपल के पेड़ को देखा है उसकी जो जटा आता है ना जो टेढ़ा मेढ़ा मेढ़ मिक्स करके आ जाता है नीचे तक, मैं कंघी बना कर जो बाल रखते हैं ना आजकल शैम्पू लगा करके, वो सुनही नहीं इसलिए वो जटा को बोलते हैं। जब पीपल जटा आदि होते हैं वैसे जटाधारी पुरुष को कहा जाएगा, वहाँ पर भी प्रयोग हो जाता है। इसे शिवजी का नाम में ले लिया है ना, शिवजी की जटा ऐसे ही है आपस में मिला जुला रहता है ना वो, उसको कहते हैं। हाँ वटवृक्ष में जटा नहीं हो तो सीधे आता है, वो इधर उधर होकर के नहीं आता, वो सीधा रहेगा एक यूँ को यूँ आएगा सीधा और कोने में एक दो यूँ ऐसा हुआ जैसे रहते हैं बस, वो नहीं ले सकते इसे दृष्टांत पीपल का लेना पड़ता है। यश स गुड़ा केशा शिवाय तीर्थ गुंगराले बाल, गुंगराले बाल और गुंगराले जटा कृष्ण को भी कहते इसलिए गुड़ाकेश। और गुड़ाका कर्द निद्रा कर देंगे उसको जीत लिया है जो ईश, गुड़ाकेश इस अर्जुन को भी कह देते गुड़ाकेश। देखो आ गया अभी कुछ कह रहे देखिए, तद केश गुड़ाकेश शिव क्यों जटाधारित्वात् गुड़ा सियाद गोल के हस्ति सन्नायक्षु विकारयो गुड़ा स्नुह्यंच कथिता गुड़िकायांच योषिती मेदिनी। गुड़स्या गोलक में हस्ति अर्थ में हस्ति सन्नाह मैंने उसके जो सन्नाह कहते किसको आपके कवच को जो पहना जाता है उसको सन्नाह कहते हैं। और इक्षु विकार अर्थ में गुड़ अर्थ में भी होता ही है।
और गुड़ास्त्रलिंग में सुनैयांच गदिता, वही जो है गुंगराले बाल जो आपस में लगे हुए हैं ऐसे को कहा जाता है। और गुड़कायांच और गुड़ी का अर्थ भी स्त्रीलिंग में, गुड़ा और गुड़ी का दोनों स्त्रीलिंग में होता है। गुड़ा का देखो निद्रा तस्या ये शैति व जितेंद्रियवादित भाव गुड़ा के शय भी हो जाता है। स्थाचति में अबाई बालरमा स्थाचति मृजे आलज्जालयच स्थागति निवृत्तौ चते याचने मृजुवृज शुद्धौ, मृजु के बाद कौमा नहीं होनी चाहिए। ये व्यक्रमाद आलच वालई आलियच एते प्रत्याश्य स्थाणम चात्वाल मार्जालीय इति रूपा अत्र लचा सिद्धे आलची आकारोच्चारणम निष्फलमेव। आलच के लिए कह रहे ये करे क्या जरूरत थी, स्था धातु था ना पहले आकारांत ही है, फिर आलच करने क्या जरूरत है, लच कह दो तो भी हो जाएगा। स्थाणम इति स्थाणम भाजन भेदे भी स्थाली सियात पादलेखयो। स्थाणम जो है भाजन भेद को कहते हैं, स्थाली शब्द भी बर्तन विशेष के लिए छोटे बर्तनों के लिए प्रयोग होता है, साथ साथ पादलेखयो पाद मैंने पैर और लेख इन दोनों अर्थों में भी होता है स्थाली। चातवाला चातालो यज्ञ कुंडे सियात, यज्ञ का कुंड विशेष को हम चातवाल सिंह ऐसे कहते हैं। मार्जालीय दिए मार्जालीय स्मृत शूद्रे बृडाले काय शोधने इति मेदिनी, शूद्र को भी कहा जाता है और बिलाव तो है ही है और काय शोधन को भी कहते हैं, काय शोधन प्रक्रिया को भी मार्जालीय। पति चंडीभ्याम मालय पतलिगत चढ़िकोपे आभ्याम मालय प्रत्यस्या आलयों इत्वादुपदावृत्ति पाताल बन गया पतंत्यस्मिनिति पाताल चंडाल इदित्वात्नुमी अदुपदत्वाभावात् न वृद्धि चांडाल इति तो प्रचयतद्बोध्य इति उज्ज्वलदत्तादि वदन्ति तदा एके इति। या रुचि क्या है अत्र अस्वार अस्वरस बीजंतो कुलाल वरुण निषाद चंडाल अमित्राभ्य अमित्र अमित्रेभ्य इति वार्तिक कुलाल वरुण निषाद चंडालामित्रेभ्य इति वार्तिक तद्भाष विरोध है वो, इसलिए एक एक कहना पड़ा। 5436 अष्टाध्यायी सूत्र वहाँ के वार्तिक तत्र ही एतेभ्य स्वार्थ्यन्वित और वार्तिक में ही स्वार्थवान्वित है तो प्रज्ञाधिगण में क्यों ले जाए आकृतिगण में, स्पष्ट जब ग्रहण किया है चंडाल शब्द। नीचे स्थाचति में चित स्वरम बाधित्वा पक्षे आयुतादार्थमिति एक के चित स्वर अंतोदात कर रहा था उसे बाद करके आलच में चकार जो है चित हो रहा था, फिर आलय क्यों कर दी कहते बाधित्वा पक्षे आयुदात करने के लिए भी है इति एक के। स्थाणम भाजन भेदे पी स्थाड़ी से बदले के उसे मान है चातवाल के कुंडे स्याद दर्भे चा देखो चातवाल जो दर्भ को भी कहते मार्जालीय स्मृति शूद्रे विडाले काय शोधने तिमेदिनी अधो भुवन पातालम बलिसत्म रसातलम इत्यमरह। सबसे नीचे वाला भुवन का नाम पाताल, अधो भुवन पातालम और बलिसत्म बलि का स्थान भी है रहने का स्थान भी है उसका भवन है रसातलम इत्यमरह। पातालम नागलोक के सियाद इवरे वडवान ले पाताल जो नागलोक को भी कहते हैं और एक नीचे की भूमि के अनेक विवरों में से विवर जिसको पाताल लोक कहा जाता है और वडवानल को भी पाताल कहा जाता है। वडवानल को वडवानल होता है ना समुद्र में होने वाला अग्नि, चंडाल में कोई विशेषण है वही सब कह रहे हैं। पति चंडीभ्या मालनीति नितम पटित्वा पाताल शब्द है माधवी धातु वृत्ति का थोड़ा अंतर ये कर रहे हैं कि जो है कह रहे हैं आलय न करके आलन कर दंत नकार कर इत की अपेक्षा से नित कर पति चंडीभ्यम मालनीति नितम पठित्वा पाताल शब्द बहुलकाद वृद्धि उक्त्वा वृद्ध्यर्थम आलयति केषाञ्चित् पाठे तो चंडाल शब्दे अपि वृद्धि स्याद् इत्युक्तम् तद् अतिरभसात्। वो अतिरभस से उन्होंने कह दिया है हड़बड़ से जल्दबाजी में कह दिया उचित नहीं है कि उपदा में है ही नहीं वह चंडा में चढ़ी धातु ले रहे आप इसलिए वह प्राप्ति नहीं था इस व्यवस्था देने की कोई जरूरत नहीं है। से के उज्ज्वल दत्ता दिया यदि
कुलाल वरुण इत्यादि वार्तिक दे दिया। देखो अमित्रेभ्य छंदसी इति चंडाला स्वार्ध्यानम विदधता वार्तिकेन तद्भाषण च स विरुद्धम इति बोध्याम, इसे पक्ष को त्यागा जाता है।